इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेल में अटेंडेंस शीट तैयार कैसे कर सकते हो। गैस, आप जो कॉलेज या स्कूल की अटेंडेंस शीट बनाना चाहते हो तो आप एक एक्सेल में अच्छी तरीके से अटेंडेंस शीट तैयार उसमें कर सकते हो। तो गैस, इस वीडियो में आपको सभी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो गैस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी में। गैस, आपका स्वागत है। तो चले इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको आ जाने पीसी में, और पीसी में आने के बाद आपको एक्सेल को ओपन कर देना है। तो चले गैस, मैं एक्सेल को ओपन कर देता हूँ। तो आपको एक्सेल को ओपन कर देना है, और ओपन करने के बाद चले हमें अटेंडेंस को तैयार करते हैं। तो आपको टाइप करना है अटेंडेंस शीट। तो चले मैं लिख देता हूँ अटेंडेंस शीट। तो आपको इस तरह लिख देना है, और लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। और एंटर प्रेस करने के बाद आपका जिस स्कूल का बना रहे हो वही आपके स्कूल का नाम लिख देना है। तो चलिए मैं एक्स वाई जेड लिख देता हूँ। तो आपका नाम लिखना है, तो उसमें आपका स्कूल या कॉलेज का नाम लिख सकते हो। और लिखने के बाद आपको लिख देना है मंथ, क्योंकि हमने जिस मंथ का आप बना रहे हो वही आपका नाम लिख देना है। तो चलिए मैं नाम टाइप कर देता हूँ मंथ, और लिख देता हूँ जून। और जून लिखने के बाद चलिए मैं 2020 को टाइप कर देता हूँ। तो आपको इस तरह लिख देना है, और लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो चलिए गैस, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। और एंटर प्रेस करने के बाद आपको नंबर लिखना है, और साइड में आपको लिख देना है नाम। और नाम लिखने के बाद आपको लिख देना है डेट, और डेट लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करने के बाद आपको लिख देना है डे। तो चलिए मैं डे लिख दिया। तो इस तरह आपको टाइप करना है, और आपको जो नंबर से और नाम से नीचे काउंट है वही आपको छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद आपको फाइव नंबर से टाइप कर देना है। तो आपका जितना नंबर टाइप करना है वही आप भी टाइप कर सकते हो। तो गैस, मैंने 1 से 5 नंबर टाइप कर दिया है। तो इस तरह आपको टाइप करना है, और आपको नाम लिख देना है। आपका जिस नाम लिखना है वही आप नाम लिख सकते हो। तो गैस, मैं 5 नंबर के नाम लिख देता हूँ। तो इस तरह आपको नंबर या नाम टाइप कर देना है। और टाइप करने के बाद आपको आ जाना है डेट पे, क्लिक कर देना है। और डेट पे आने के बाद आपको 1 या 2 लिख देना है। तो चलिए मैं डेट में 1 या 2 लिख देता हूँ। तो इस तरह आपको 1 या 2 लिख देना है, और आपको दोनों को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको प्लस आइकन लाना है, और प्लस आइकन लाने के बाद आपको 1 से 30 या 31 तारीख को आपको इस लाइन को खींच लेना है। तो चलिए मैं 30 तारीख से इस लाइन को खींच लेता हूँ। तो आपको इस तरह 1 या 2 को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको 30 तारीख से आपको इस लाइन को खींच लेना है। तो गैस, मैंने 30 तारीख से इस लाइन को खींच लिया है। तो इस तरह आपको कर देना है, और खींचने के बाद इस लाइन पे क्लिक करना है, और आपको जाना है फॉर्मेट में। और फॉर्मेट में आने के बाद आपको ऑटो फिट कॉलम पे क्लिक कर देना है। गैस, में ऑटो फिट कॉलम पे क्लिक कर देता हूँ, तो हमारा इस लाइन ऑटो फिट हो गया है। और आपको जो डे है, तो डे में आपका जो वार का नाम आता है वही आपको टाइप करना है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ मंडे। तो आपको जिस डेट से आपको वार को स्टार्ट हो रहा है वही आप पे टाइप कर सकते हो। मैंने लिख दिया है मंडे, और मंडे लिखने के बाद आपको प्लस आइकन लाना है, और प्लस आइकन लाने के बाद आपको 30 तारीख से आपको इस लाइन को खींच लेना है। तो चलिए मैं 30 तारीख से इस लाइन को खींच लेता हूँ। तो आपको इस तरह एडजस्ट कर देना है, और फॉर्मेट में जाने के बाद आपको ऑटो फिट कॉलम कर देना है। तो गैस, मैं ऑटो फिट कॉलम पे क्लिक कर देता हूँ, तो आपको इस तरह ऑटो फिट कॉलम कर देना है। और ऑटो फिट कॉलम करने के बाद आपको जो अटेंडेंस शीट है वही लाइन आपको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको 30 तारीख से इस लाइन को खींच लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको मर्ज आर सेंटर पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं मर्ज आर सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ, और आपका जिस स्कूल का नाम है वही लाइन आपको इस से 30 तारीख से आपको सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको मर्ज आर सेंटर पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं मर्ज आर सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ, और आपका जो तीसरा लाइन है आपको मंथ वाला, तो इस लाइन को सिलेक्ट करना है, और आपको 30 तारीख से सिलेक्ट करने के बाद मर्ज आर सेंटर पे क्लिक कर देना है। तो आपको इस तरह मर्ज आर सेंटर पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपका जो अटेंडेंस शीट आपने लिखा है वही पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको 5 नंबर से आपको सिलेक्ट कर देना है।
तो चलिए मैं फाइव नंबर से ऑल सिलेक्ट कर देता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद आपको बॉर्डर पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ, तो आपको इस तरह क्लिक कर देना है, और आपको साइज बढ़ाना है तो आपको फॉन्ट साइज पे क्लिक कर सकते हो। तो आपको साइज बढ़ाना है तो चलिए मैं फॉन्ट साइज पे मैंने क्लिक कर दिया, तो इस तरह क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम कर देना है। तो गाइस मैंने ऑटो फिट कॉलम कर दिया है, तो इस तरह आपको ऑटो फिट कॉलम कर देना है। तो गाइस हमारा जो अटेंडेंट सीट है वही हमारा कंप्लीट सेट हो गया है, लेकिन आपको जो प्रेजेंस और एब्सेंस है वही आपको लगाना है। तो चलिए मैं लगा के आपको बता देता हूँ। आपको जो एक वीक में आपको जो प्रेजेंस और एब्सेंस लगाना है तो आपको डेटा में जाके लगा सकते हो, लेकिन सबसे पहले गाइस आपको ऑल सिलेक्ट करना है, और ऑल सिलेक्ट करने के बाद आप उसमें आपको लगा सकते हो। तो चलिए मैं ऑल सबसे पहले ऑल सिलेक्ट कर देता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं लगा के आपको बता देता हूँ। तो गाइस आपने जो मंडे लिखा है वही आपको 30 तारीख से आपको ऑल सिलेक्ट कर देना है। तो चलिए मैं ऑल सिलेक्ट कर देता हूँ, तो आपको इस तरह जो सभी आपका जो काउंट है वही आपको सिलेक्ट करना है। आपको मंडे से 30 तारीख से आपको ऑल सिलेक्ट कर देना है, और ऑल सिलेक्ट करने के बाद आपको डेटा पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं डेटा पे क्लिक कर देता हूँ, और डेटा पे क्लिक करने के बाद आपको डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है। तो मैं डेटा पे क्लिक कर देता हूँ और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको जो ऑल वैल्यू है उसमें आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको लिस्ट सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं लिस्ट पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको सोर्स में टाइप करना है आपका जो प्रेजेंस और एब्सेंस आपको ऐड करना है और ऑलरेडी, तो आपको प्रेजेंस के लिए पी दबाना है, और पी को प्रेस करना है कीबोर्ड से, और पी लिखने के बाद आपको कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद आपको एब्सेंस के लिए आपको ए प्रेस करना है, और ए प्रेस करने के बाद आपको कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद आपको जो हॉलीडे होता है तो हॉलीडे लिए कि आपको एच प्रेस करना है। तो मैंने एच को टाइप कर दिया, और आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस आप देख लीजिए कि आप जिस आपको अकाउंट पे क्लिक करोगे तो उसमें आपको प्रेजेंस और एब्सेंस आ जाएगा। तो इस तरह आपको ऐड करना है, तो आपको आसान तरीके उसमें ऐड कर सकते हो। तो आप देख लीजिए कि हमारा ऐड हो रहा है, तो इस तरह आप भी ऐड कर सकते हो। लेकिन गाइस जो हमारा हॉलीडे है, तो जो हमारा संडे होता है, तो संडे का जो हॉलीडे है, तो आपको जो संडे होता है वही आपको काउंट है ये, तो इस काउंट को आपको सिलेक्ट करना है। आपको कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है, और आपको सभी संडे को सिलेक्ट कर देना है। तो गाइस मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस को कर रख दिया है, और जो संडे है वही आपको सभी संडे को सिलेक्ट कर देना है। तो चलिए मैं संडे को सिलेक्ट कर देता हूँ, तो आपका जितना संडे है वही आपको सिलेक्ट कर देना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको होम मेनू पे क्लिक कर देना है, और होम मेनू पे क्लिक करने के बाद आपको कलर ऐड कर देना है। तो चलिए मैं कलर पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद हमारा जो संडे है तो इस संडे में हमारा जो कलर ऐड हो जाएगा। तो चलिए मैं येलो पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस आप देख लीजिए कि हमारा जो संडे है तो उसमें सभी में हमारा कलर ऐड हो गया है। तो इस तरह आप कलर ऐड कर सकते हो, और कलर ऐड करने के बाद आपको सभी जो काउंट है तो इस काउंट में आपको प्रेजेंस और एब्सेंस आपको ऐड कर देना है। तो चलिए मैं सभी में ऐड कर देता हूँ, तो आपको इस तरह सभी में ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद आपको कितना जो प्रेजेंस और आपको एब्सेंस आपको हॉलीडे आपको टोटल को निकलना है तो आपको आ जाना है साइट में। तो गाइस मैंने जो सभी को भर दिया है, और भरने के बाद आपको प्रेजेंस और एब्सेंस और आपको हॉलीडे को जो टोटल लगाना है तो आपको आ जाना है साइट में, और साइट में आने के बाद आपको टाइप करना है टोटल प्रेजेंस। तो चलिए मैं आपको टोटल निकाल के आपको बता देता हूँ कि आपका एक मंथ का आपको जो टोटल निकलना है तो वही आपको निकाल सकते हो। तो गाइस आपको आ जाना है, और आने के बाद आपको लिख देना है टोटल, और टोटल लिखने के बाद आपको प्रेजेंस लिखना है। तो चलिए मैं टोटल और प्रेजेंस को लिख देता हूँ, और लिखने के बाद आपको एक लाइन में लिखना है, और लिखने के बाद आपको ब्रेफ टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं ब्रेफ टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो हमारा एक ही लाइन में दो वर्ड हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि हमारा टोटल और प्रेजेंस हमारा एक काउंट में आ गया है। तो इस तरह आपको ब्रेफ टेक्स्ट करना है, और उसको आपको कॉपी करना है, और आपको साइड में पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद आपको टोटल एब्सेंस लिखना है,
तो चलिए मैं टोटल एब्सेंस लिख देता हूँ, तो आपको इस तरह टोटल एब्सेंस लिख देना है और लिखने के बाद आपको इसको कॉपी करना है और साइट में आने के बाद आपको पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद आपको साइट में लिख देना है टोटल ओलेडे। तो चलिए मैं लिख देता हूँ टोटल ओलेडे। तो आपको इस तरह तीनों चीज़ को लिख देना है, टोटल प्रेजेंस और टोटल एब्सेंस और टोटल ओलेडे। तो आपको इस तरह लिख देना है और लिखने के बाद आपको जो टोटल प्रेजेंस निकालना है, आपका जो एक मंथ का टोटल प्रेजेंस कितना है, तो आपको इक्वल करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको इक्वल कर देना है और आप देख लीजिए कि हमारा टोटल प्रेजेंस है, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको इक्वल लिख देना है और इक्वल लिखने के बाद आपको काउंटिप लिखना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इक्वल लिख दिया और आपको काउंट टेप लिखना है, तो चलिए मैं काउंट टेप लिख देता हूँ। तो इस तरह आपको इक्वल लिख देना है और आपको काउंट टेप को टाइप करना है और टाइप करने के बाद आपको शिफ्ट के 90 प्रेस करना है और आपको रेंज को लाइन है वही आपको खींच लेना है। तो चलिए मैं मंडे से 30 डेट को इस लाइन को सिलेक्ट कर देता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा लगाना है। तो चलिए मैंने कॉमा लगा देता हूँ और कॉमा लगाने के बाद आपको जो प्रेजेंस है, तो इस प्रेजेंस के लिए आपको पी को प्रेस करना है। तो मैंने कॉमा टाइप कर दिया और आपको डबल कॉमा करना है और डबल कॉमा करने के बाद आपको पी को प्रेस करना है और पी टाइप करने के बाद फिर से आपको डबल कॉमा करना है और आपको जो इतना लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो हमारा जो टोटल जितना प्रेजेंस है वही हमारा आ गया है। तो आपको प्लस आइकन पर क्लिक करके इस लाइन को खींच लेना है। तो चलिए मैं इस लाइन को खींच लेता हूँ। तो आपको इस तरह टोटल प्रेजेंस निकाल सकते हो, लेकिन आपको टोटल एब्सेंस निकालना है तो आपको फिर से इक्वल करना है और इक्वल टाइप करने के बाद आपको लिख देना है काउंट टेप। तो चलिए मैं लिख देता हूँ काउंट टेप और काउंट टेप लिखने के बाद आपको शिफ्ट के 90 प्रेस करना है और आपका जो लाइन है वही लाइन आपको खींच लेना है। तो आप देख लीजिए कि हमारा जो इस रेंज है, तो वही आपको रेंज को खींच लेना है और लिखने के बाद आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको डबल कॉमा को प्रेस करना है और आपको एब्सेंस के लिए ए प्रेस करना है और ए प्रेस करने के बाद आपको डबल कॉमा फिर से कर देना है और करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो चलिए मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख लीजिए कि हमारा टोटल एब्सेंस जितना वही है हमारा आ गया है। तो इस तरह आपको टोटल एब्सेंस निकाल सकते हो, लेकिन आपको जो टोटल ओलेड है वही आपको निकालना है। तो फिर से आपको टाइप करना है इक्वल और इक्वल लिखने के बाद आपको काउंट टेप लिख देना है। तो गाइस मैंने काउंट टेप लिख दिया और काउंट टेप लिखने के बाद आपको फिर से इस जो रेंज है वही आपको रेंज सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको लिख देना है कॉमा लगाना है। तो मैंने कॉमा को प्रेस कर देता हूँ, तो आपको कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद आपको डबल कॉमा को प्रेस करना है और आपको जो ओलेडे है, तो इस ओलेडे के लिए आपको एच प्रेस करना है और एच प्रेस करने के बाद आपको फिर से डबल कॉमा को लगा देना है। तो चलिए मैं डबल कॉमा को प्रेस कर देता हूँ और आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो मैंने एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो हमारा जितना टोटल ओलेडे है वही हमारा आ गया है। तो इस तरह आपको टोटल प्रेजेंस और टोटल एब्सेंस और टोटल ओलेडे निकालना है तो आपको अटेंडेंस शीट में निकाल सकते हो। तो जो मैंने जो सभी प्रोसेस था, तो इस प्रोसेस मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिए है। तो इस तरह आपको अटेंडेंस शीट को एक्सेल में तैयार करना है, तो आपको इस तरह आसान तरीके उसमें तैयार कर सकते हो और आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑल बॉर्डर को प्रेस करना है। तो आप देख लीजिए कि हमारा कंप्लीट अटेंडेंस शीट कंप्लीट तैयार हो गए। तो इस तरह आपको एक्सेल में स्कूल या कॉलेज का बनाना है तो आपको आसान तरीके अटेंडेंस शीट बना सकते हो। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।